गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? हम लोग पढ़ रहे थे कल कि किस तरीके से हम नंबर्स को, हम लोगों ने नंबर नेम पढ़े थे, एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ा था, ये सारी चीजें पढ़ी थी। उसका सेकंड चैप्टर जो हमारा चल रहा था उसमें क्या चल रहा था बताइए? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के भी क्वेश्चंस किए थे, किस तरीके से हम ऐड करते हैं नंबर्स को, किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी देखेंगे फिर से कि हम किस तरीके से नंबर्स को तो देखिए आपका पेज नंबर ओपन करिए आप, क्या आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन चैप्टर था, तो उसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन चैप्टर में आपका मैंने क्या उनसे एक्सरसाइज करा दी थी, वन करा दी थी मैंने। अभी हम एक्सरसाइज टू कर रहे थे ना एक्सरसाइज टू। तो एक्सरसाइज टू में हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व किया था, टू किया था, थ्री किया था। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर, एक्सरसाइज आपकी कौन सी है, टू, और आपका क्वेश्चन नंबर फोर है। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है देखिए, फाइंड द एडिशन ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ फोर डिजिट एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ थ्री डिजिट। तो अभी देखिए पहले आप पेज नंबर कौन सा ओपन करेंगे, 17। ओपन योर पेज नंबर 17, एक्सरसाइज टू, क्वेश्चन नंबर फोर। ओके, सो रीड क्वेश्चन नंबर फोर, फाइंड द एडिशन ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ फोर डिजिट एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ थ्री डिजिट। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ फोर डिजिट या फोर डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कौन सा होता है और थ्री डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कौन सा होता है। तो यहाँ लिखेंगे कि लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर। ठीक है, तो फोर डिजिट नंबर आपका कौन सा है लार्जेस्ट नंबर, 999, ये है ना आपका। फिर आपको बताना है कि लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर क्या है आपका, लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर, आपका थ्री डिजिट नंबर क्या है देखिए, 999। ठीक है, तो ये आपका नंबर है। अब देखिए आप इसमें क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, इसका एडिशन करना है ना, लिखा है यहाँ पे कि फाइंड द एडिशन हो, तो आप क्या करेंगे इन दोनों का एडिशन कर देंगे, नंबर तो पता ही चल गया हमें, और हम क्या कर देंगे इन दोनों का एडिशन कर देंगे इस तरीके से, 9918 + 1 19, 9918 + 1 19 = 10। तो ये आपका क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर फोर आ गया। आपको पहले क्या करना था, लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर फाइंड करना था, देन आपको लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर फाइंड करना था, देन आपको क्या करना था कि आप इन दोनों का एडिशन करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फोर था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव को रीड करिए, रमेश डिपॉजिट रुपीज 2850 इन जनवरी एंड 3650 इन फरवरी इन हिज बैंक अकाउंट, फाइंड द टोटल अमाउंट ही डिपॉजिटेड इन बोथ मंथ्स। ये बताना है आपको कि इसने जनवरी में कितने रुपए जमा किए, फरवरी में कितने रुपए जमा किए, फिर टोटल दोनों मंथ मिलाकर उसने टोटल कितने रुपए जमा किए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, आप किस तरीके से करेंगे इसको देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपका कि रमेश डिपॉजिटेड, यहाँ लिखिए रमेश डिपॉजिटेड, रमेश डिपॉजिटेड 2850 in January। ठीक है, अमाउंट इन जनवरी, जनवरी में उसने कितना किया, ठीक है, कितना किया उसने 2850। ठीक है, फिर उसने कितना किया इन फरवरी में, फरवरी में कितना किया 3650। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना किया, तो यहां लिख देंगे टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड, टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड। कितना हो गया, तो आप इन दोनों का ऐड कर लेंगे, कितना आएगा लिख लीजिए यहाँ पर, 0, 5, 5, 10, 6, 8, 14 + 1, 17, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 5।
ये आपकी टोटल मनी आ गई 2 मंथ की, ठीक है, 5700। ठीक है, तो अभी आप फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6, 7th अब 5th हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है अंशु बॉट साइकिल फॉर रुपीज 2999 एंड रुचि बॉट साइकिल फॉर 2650। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ बोथ साइकिल्स। तो यहाँ पे क्या लिखा है आपका, यहाँ पे अंशु ने खरीदे बाइसाइकिल, साइकिल खरीदी है, और रुचि ने खरीदी साइकिल। तो अभी बताना उन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आपको क्या करना होगा, अंशु की साइकिल की जो रुपए लगे हैं उससे हम रुचि की साइकिल के रुपए माइनस कर देंगे, तो आपको क्या आ जाएगा, डिफरेंस पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, डिफरेंस। तो यहाँ देखिए 6th क्वेश्चन, यहाँ लिखिए कि अंशु बॉट साइकिल, ठीक है, फॉर इज इक्वल टू रुपीज 2999, ठीक है, रुचि बॉट साइकिल फॉर कितना आ जाएगा, रुपीज 2650। ठीक है, तो अभी डिफरेंस निकालना है इसका। तो डिफरेंस देखिए, डिफरेंस मतलब क्या होता है, माइनस करना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पर 9 आ जाएगा, 430, तो आपका 349 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप आज इतना ही करिए, आप क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 को ट्राई करेंगे, जिसको नहीं आएगा तो फिर मैं दोबारा से इसको करवाऊंगी। ओके, सी यू टुमारो।